गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी लर्नड अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड आर स्केलेटन सिस्टम। सो सी, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ परफेक्ट मशीन। जो हमारी बॉडी है राजे, किस तरह से एक्ट करती है, एक मशीन की तरह। जिस तरह से मशीन के वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे ऑर्गन्स की, कि वो ऑर्गन्स अच्छे से अपना फंक्शन करें और तभी हमारी बॉडी क्या करे, वर्क करे। लाइक अ मशीन आर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर पार्ट्स नोन एज ऑर्गन्स। Each organ performs a specific function and together they work as a team. जितने भी organs हैं वो सभी एक team की तरह work करते हैं। Suppose हमारे lungs हैं, अगर lungs अच्छे से work नहीं करेंगे तो हमें breathing में problem होगी, तो हम survive नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी हमारे organs हैं वो अगर specific function अच्छे से करते हैं तो हमारी body क्या करती है, survive करती है। Organs that we can see एंड टच, ऐसे ऑर्गन्स जिन्हें आप देख सकते हो और टच कर सकते हो अपने हैंड्स के थ्रू, उन्हें आप कौन से ऑर्गन्स बोलते हो, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस को आप अपनी देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये कौन से हैं ऑर्गन्स हैं आपके, एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक नोज, हेड एंड ईयर्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। Internal organs are the organs that are inside our body. Internal organs कौन से हैं, जो हमारी body के अंदर हैं। For example, muscles, heart and lungs. आप अपने heart को देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, तो ये कौन से organs हैं आपके, internal. In this chapter, you will study about seven major organ system of our body That helps us live a healthy and active life. इस चैप्टर में आप किसके बारे में स्टडी करोगे, सेवन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करोगे, That helps us to live a healthy and active life. Next one is your the skeleton system. In the science lab of your school, जैसे राजे आप स्कूल ज्वाइन करोगे तो आप अपनी साइंस लैब में अनेक से मॉडल देखोगे। You may see a structure of bones on display. It is a model of our skeleton. ये जो आपको मॉडल दिख रहा है, ये क्या है, हमारा skeleton system है। तो skeleton क्या है, एक तरह से framework of bones in the body. कि जो हमारी ढांचा है bones का, हड्डियों का, तो उसे आप क्या बोलते हो, skeleton system. हमारी body को क्या देता है, ये shape देता है। It also helps in our movement and keeps our organ safe. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं जितने भी, वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। A baby is born with over 300 bones. कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 300, ठीक है। As the baby grow, जैसे जैसे baby grow करता है तो उसकी bones क्या होती हैं, joint होने लगती हैं, join होने लगती हैं, ठीक है, जुड़ने लगती हैं छोटी छोटी जो bones हैं। तो adult जो person है उसके अंदर कितनी bones हैं, 206 bones। तो ये आपने mind में रखना है राजे, कि अगर कोई baby born होता है तो उसमें कितने bones हैं, 300। जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो हमारे अंदर कितनी बॉन्ड्स होती हैं, 206 बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपने स्टडी करना है। तो हमने आज क्या स्टडी किया, टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और स्केलेटन सिस्टम क्या है, एक तरह से फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है, हमारी बोन्स का, ठीक है। एक तरह से ये शेप सी बनी हुई है जो हमारी बोन्स की, ठीक है। और बेबी के अंदर जो कोई बेबी जब जन्म लेता है, बोन होता है, तो उसके अंदर 300 बोन्स हैं, और अडल्ट पर्सन में कितनी बोन्स हैं, 206 बोन्स। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।